दोस्तों नमस्कार। कोई कितना भी बोले अपने हाथों में या पैरों में भूल कर भी ये तीन राशियां काला धागा कभी ना पहने, होगा बुरा असर। दोस्तों आमतौर पर ज्यादातर लोग अपनी कलाई पर या पैरों पर काले रंग के धागे पहनते हैं, लेकिन कभी कभी बिना जानकारी के ये नुकसान का कारण भी हो सकता है। इसका नकारात्मक प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काला धागा बुरी नजर से बचाता है, लेकिन कुछ राशियां ऐसी हैं यदि वो अपने किसी भी भाग पर काला धागा पहनते हैं तो उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आज हम आपको उन राशियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें काला धागा भूल कर भी नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से उन लोगों के जीवन में कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी कोई भी वीडियो आए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों सबसे पहली राशि है वृश्चिक राशि। इस राशि का स्वामी मंगल है। इनके जीवन पर मंगल का प्रभाव हमेशा बना रहता है। जिस व्यक्ति की राशि वृश्चिक हो तो इन लोगों को काला धागा पहनने से बचना चाहिए। मंगल देव काले धागे को धारण करके नाराज हो सकते हैं और मंगल का प्रभाव जीवन के साथ समाप्त हो सकता है। इससे जीवन में परेशानियां और घर में दरिद्रता आती है। इस राशि के लोगों को लाल धागा पहनना बहुत ही शुभ होता है, मिलती है ढेरों कामयाबी। दोस्तों दूसरी राशि है मेष राशि। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मेष राशि का स्वामी भी मंगल है और मंगल देवता को काला पदार्थ पसंद नहीं है, जिसके कारण मेष राशि के लोग काला धागा पहनते हैं तो वो उनके जीवन में मंगल के शुभ प्रभाव को समाप्त कर देता है, जिसके कारण मेष राशि के लोग परेशानी में पड़ सकते हैं। उन पर बुरी शक्तियों का प्रभाव भी हो सकता है। इसके साथ ही काले धागे पहनने से जीवन में सुख और शांति की कमी भी हो सकती है, जिसके कारण ये लोग जीवन में असफल हो सकते हैं। इसीलिए मेष राशि के लोगों को भूल कर भी काला धागा नहीं पहनना चाहिए। इन राशि के लोगों के लिए लाल रंग का धागा बहुत ही शुभ माना जाता है। तो दोस्तों ये थी वो दो राशियां जिनको काला धागा पहनने से परहेज करना चाहिए। आपकी राशि कौन सी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जानकारी पसंद आए तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अद्भुत जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। एक लाइक तो बनता है।